गॉड, हेमा आई हमारे घर और ये क्या लेकर आई है? मनी प्लांट हमारी जिंदगी, ताकि सारिका के पास कहीं पैसों की कमी रहे ना। अभी भी नहीं रहती है और जिंदगी में और ज्यादा रहे यार, तभी तो लेके आई है मनी 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 मनी। थैंक यू, बहुत ही प्यारा है तुम्हारा मनी प्लांट और पहुंचा है हमारा। थैंक यू, प्याज तब भी हमें ही लेके आना पड़ेगा। और प्याज महंगे हो गए, हमें शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? एक रुपया हेमा बताइए जरा, एक रुपया नहीं निकलता है गोपी से? प्याज महंगी हो गई है। अगर ये बहुत गलत बोला है इसने कि मैं एक रुपया नहीं खर्च करती हूँ, तो ऐसा नहीं है, सबको पता है। नमकीन की बचत घर में बना रखी है। देखो, ये घर में नहीं बनाई, मेरी सिस्टर लेकर आई थी और मेरी सिस्टर ने नमकीन ना खिलाना पड़े मेहमानों को, तो यही यार मैं तेरे को उसकी असलियत बताऊं। गाइस कैसे हैं आप? आज मेरी दोस्त मुझे सरप्राइज देने आई है और सरप्राइज की जगह उसके लिए मुझे बनाना चाहिए था, और वो देखो क्या कर रही है यहाँ पर, पुलाव ये बना रही पुलाव। और मैंने वैसे यही नहीं, सारा सामान थोड़ा मैंने भी काटा है, और इसने कुछ नहीं काटा है और अभी बना रही है क्योंकि इसको मेरे हाथ के पसंद नहीं है, तो ये कह रही है कि मैं बनाऊंगी, तो इसको बनाने के लिए मैंने बोल दिया है। ठीक है, अब ये झूठ है सच है वो तो मेरे गोपी को ही पता है, इसको नहीं पता। हम बना रहे हैं मटर का पुलाव, मटर का पुलाव। हरी मटर लेकर आ, ए हरी मटर निकाल वहां फ्रिज में से, जा नहीं मसाले के बना दूं? नहीं रुक जा, मैं मटर निकाल ली हूँ फ्रीजर में। और ये बन रहे हैं पुलाव, और हेमा ने हमारे को स्कूल के टाइम खिलाए थे होम साइंस के, जब हमारा एग्जाम चल रहा था। तो सबसे पहले डालेंगे तेल, उसके बाद डालेंगे खड़े मसाले, उसके बाद डालेंगे हम लोग प्याज के बाद हम लोग लाल मिर्ची दो या ना दो? या आ गई मटर, मटर सारे डलेंगे, हींग दू ही? हाँ बिल्कुल, तो हम हींग लेंगे। जान देखो उसमें क्या है, बोरा जान, इससे छोटा वाला भी डूब गया, मम्मी छोटा जार का है ये बहन। ये हमने खाने को और स्वाद बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं हींग, और हींग जो खाने में चार चांद लगाता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, इसलिए हमें हींग का उपयोग करना चाहिए। तो इसके अंदर डालेंगे हम हींग, लाल मिर्च का हम हींग, चुप हो जा। आप प्लीज टमाटर काटेंगी थोड़े से? अरे मम्मी तो भाभी तो बजरंगबली जी का वो करते हैं, उनके पास कहाँ से होगा लहसुन, तो मजा आ रहा है दस्तक काम करवाते। सॉरी मेरे हाथ का उसे खाना ही नहीं है, इसलिए हेमा बना रही है। एक्चुअली हमें सारिका पे भरोसा नहीं है कि हमें अच्छा पुलाव खिलाएगी, इसलिए हम सोचा हम खुद ही बना लेंगे। गाइस देख खा लेते हैं और खिला लेते हैं, ये इसकी चालाकी थी, ये इसका ड्रामा आएगी और खाके बनाएगी। कितने बत्ते में जाए यार, और यहाँ गोपी हेमा से इतना प्यार कर रहा, देखो चढ़नों के पास ही लेटा पड़ा है। गोपी हर जा बाबू तेरे पैरों में मार देगी, चढ़ जाएगी पता भी चलेगा। चटपटा बना जैसे ये क्या है, इसी के अंदर डाल रही तो ये देखो नए तरीके से। हाँ नहीं सौंप है यार धनिया, तो ये नए तरीके से क्या कर रही है ये टमाटर, ये है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक का है, हल्दी, थोड़ा सौंफ पाउडर भी डाल देती हूँ। यस, अब आएगा खाने का तड़का। वैसे भी नाप तोल के नहीं, मेरे को अंदाजे से बनाना होता है और मेरा अंदाजा बहुत ही अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा पानी मिलेगा सारा नमक कहते हैं जिससे बीपी कम होता है, समझ में आया? क्या कह रही है तू? कुछ नहीं, काला नमक चाहिए? नहीं कपड़ा चाहिए पकड़ने वाला कुछ है? हरे हरे हरी चटनी, लाल मिर्ची डाल रही है जो कि हम लोगों का पेट बिल्कुल स्वस्थ रहे। क्या चाहिए तो यहाँ ये हम लोग बनाना चाह रहे हैं दही की चटनी। धुली हुई है? हाँ, बेचते हुए मार रही है।
जब ये कुछ कर नहीं रही है तो हमने सोचा कि इसको बोला कि तू ब्लॉग ही बना ले, कुछ तो कर, बैठे रहो तो हम इसको देख नहीं सकते। हाँ, तो अब यहाँ इसके ऊपर अब ये डल रहे हैं चावल। अच्छा मैंने भी सीख लिया, वैसे बनाते हैं यानी कच्चे चावल, वैसे इतना नहीं उबला ना। सही है, बच गया, बच गया। अच्छा पानी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा इसका ना। लाऊंगे ग्लास वगैरह, ग्लास लाऊंगे गाइस। ये मैं ऑनियन काट रही हूँ सलाद, ऑनियन सलाद के लिए मैं ऑनियन काट रही हूँ, और कच्ची वही मुझे स्कूल वाले दुनिया डाले हैं। और नॉट फेक, ये है रियल, जो सच्ची में होती है पार्टी फ्रेंड्स के साथ वो ये होती है। यार मतलब मुझे इतना सच्ची नहीं होता। पुलाव मत जला दियो, पुलाव पे ध्यान दे। बोलना बीच में, फिर बोलना बीच में। हां मैं वही तो देख, पूरा लॉक खराब कर दे। तू मेरा भी गई जमीन के बना रहे तू, बस जमीन के बना। तू भी गई, मैं एटलीस्ट सलाद तो अच्छी बनाऊंगी। अभी तो तू रायता बना रही थी, अब सलाद पे आ गए। अब सब चाहिए रायता भी, चटनी भी। अरे चटनी भी किसी ने नहीं कहा था। अरे बस मैंने बोला था तेरे पास टमाटर कम से कम दो डाल दो चटनी में। तूने एक ही डाला है क्या टमाटर? एक ही तो डाला है। अब क्या टमाटर की चटनी बना रही है? धनिया की चटनी बना रही है। चखो यार मेरी। अब हमारा जो सामान था सब कुछ डाल दिया, पानी डाल दिया। इसमें कितने गिलास पानी डाले तूने? दो गिलास पानी डाले और ये धनिया डाल दे लास्ट में। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? पकने देंगे और क्या करेंगे। अब ये पकेगा, पकने के बाद आपको दिखाते हैं इसकी शक्ल और फिर खाते हुए हम लोग दिखाएंगे। और इससे पहले हम लोग चटनी बना दी, बन गई है हमारी चटनी, दिखाते हैं। ये चटनी, ये चटनी बन गई हमारी। क्या बिल्कुल ये पीस तो गए तेरे मुंह में चाहिए क्या भाई? और ये मेरे मम्मी, मेरी मम्मी प्रधान की तरह आ रही है। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे खाना बना रहे हैं। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, लजीज चटनी। ये प्यारी प्यारी बेटियों ने खाना बनाया है। ये चटनी मैंने स्पेशली आंटी के लिए बनाई है। आंटी के लिए हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। तू काय को आ रही है इसके अंदर? रायता बन रहा है, तड़का लग रहा है। हो गया हो गया हो गया, लजीज खाना बनाया हमारी हेमा ने। रीना का नाम भी ले ले। अब रीना का ले लेते हैं, रीना ने बोला कि मेरा नाम ले। रीना ने ही बनाया, उसने रायते में बस दही डाली है। अब मैंने क्या क्या करा? तू ब्लॉग बना रही है? हाँ मैं ब्लॉग। तो हमारा बन चुका है अभी रायता। दिखाते हैं आपको थोड़ी सी, ये सलाद है हम लोगों को क्योंकि टमाटर और खीरा पसंद नहीं है, तो हमने एक आटा है। उसके बाद ये फ्लावर हमारे बन के तैयार, अभी नहीं हुए हैं, नहीं हुए पर फिर भी दिखा देते। ओ माय गॉड, की माँ गजब बने, गजब। अभी पकेंगे चावल, पकड़ेंगे और चलो भूखे खाए। मम्मी उल्टा नहीं, उल्टा नहीं बोलना। ये किस चीज का है मम्मी? किस चीज का केक? तीन है, एक पे दो है। अच्छा ये मेरे बर्थडे का भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ये पेस्ट्री है सारा, तुम बेकार कर रही हो। अरे भगवान का प्रसाद मैंने अभी चढ़ाया। तो ये क्या है फिर ये? अरे इनके लिए मंगाया। तो ये सारी पेस्ट्री खराब कर दोगे? वो तो आपने पेस्ट्री की वो बना दी सारी क्रीम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आंटी सच में बहुत बोली है। नहीं मैं देख के आती हूँ। लेट्स गो, साइड का फॉलो मी। ये चलो। ये भी गर्म हो चुका है। क्यों रखा था ऊपर? थोड़ा सा इसमें स्टीम अच्छे से हो। ऐसा? वो ढक्कन लगा। नई रेसिपी सीख ली है हेमा से। वाओ सच्ची में, अगर मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा बहुत है पानी का। थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे बन गए रीना ना? तू देख चम्मच ले ले, चम्मच पूरी ये वाले ट्राई करनी चाहिए। मैंने चेक करने को मुझे पूरा नहीं आता। टेस्टर बन गया, टेस्टर चलो पुलाव बन चुका है प्लेट। चलो ये मम्मी को टेस्ट कराया जा रहा है और क्योंकि ये हेमा ने बनाया तो तारीफ थोड़ी बटोरनी है इसको, तो जा रही है मम्मी की। ये आए आए आंटी, ये लो पहले खाना।
आंटी हाथ ही पकड़ो ऐसे गंद पाते इसको साइड। हाँ मम्मी ऐसे तुम वो मत करो। अब आंटी हमें खा के बताएंगी कैसा बना है। अच्छा अच्छा ये मम्मी मम्मी खा कर बताओ, ऐसे नहीं बताना है बिना खाए तारीफ नहीं करनी है यहाँ पर। बाइट लेके बताओ, नमक थोड़ा कम लग रहा है मुझे पिलाऊंगी। कोई बात नहीं, नमक। हाँ तो मम्मी के लिए सही है ना, मम्मी को बीपी का प्रॉब्लम। रायता और चटनी कैसा है मम्मी? अच्छा बनाई है मम्मी, यम्मी यम्मी बनाया। तो ये है रायता, ये है चटनी और ये है प्याज। ले ले जा मम्मी। ये मेरी फ्रेंड के लिए है। तुम इतनी पतली हो रही हो ना, तुम्हारी पतली होने का रास्ता हम सोच रहे कि अच्छे से खा ले। ओ सच्ची ज्यादा दे दिया तुम लोगों को, खाना पड़ेगा क्योंकि मैं। तू खा लेगी भाई, हमें विश्वास है तभी हमने तेरे को दिया ये। और ऊपर से इतना सारा घी डाला है इसने, कम पतली है ये और पतली होना चाह रही है। हमेशा की तरह हम दाल भात नहीं खाते, हम खाते हैं चावल। ये बनाए पुलाव हेमा ने, तो इस बार खा रहे हैं पुलाव और मैं भी खाने वाली हूँ, मम्मी भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो मैं भी खा ही रही सब। ठीक है, और सबसे पूछो क्या बना, कैसा बना है। यम्मी, मैं तो क्या तारीफ करूँ थी ना, मेरी तारीफ करो मेरी। बहुत अच्छा बना है गोभी। हाँ हाँ अच्छा, तो अब मैं भी थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। मजा आ गया, मतलब चटनी स्पाइसी है ना। चटनी तो हम खाना खाने के बाद मिलते थोड़ा। मेरे लिए लेकर आई हूँ गिफ्ट। ओ माय गॉड, पीछे कैसे करूंगी मैं। हाँ बढ़िया, मस्त लग रही है। गजब, मैंने भी वाइट कपड़ा बहुत पहन लिया। वाइट शर्ट, हाँ वाइट शर्ट। थैंक यू। और ये तू दिखा अपना, कोई नहीं याद रखते हमें। अब दिखाना मेरी मत बना, ये बनाई। ये लेकर आई है हमारी रीना, और ये लेकर आई है हमारी हेमा, और भाभी लेकर आई है हमारे लिए ये वाली टी शर्ट, पर पूरी लौंडियों वाली है, फूल फूल लगे हुए हैं। मुझे पता था मेरे लिए लड़का है, पहनेगी नहीं। मेरे को लड़का बना दे। मोटी लग रही है इसमें, हट जा। खा के मोटी हो गई है, दम भी घुटने लगे। उस टाइम बाद इसकी सांस भी नहीं आएगी बाहर, ऑक्सीजन ले लेके घूमेंगे सिलेंडर। इतनी नहीं होंगी मां, ये देख रहा उसका बेबी, ये चब्बी। ये पैसे दिए जा रहे हैं, प्यार नहीं छूते बेटे। ठीक है, हां शिखा ठीक है, ध्यान रख रहा हूं बस। एक ही दिन आगे मैं छह पैसे कहूंगी, ज्यादा ज्यादा नहीं है। चल 100-100 रुपए तो है किराया निकल गया रीना का। ये लोग जा रहे हैं, समय पूरा हो चुका है इनका, अभी घर की तरफ जा रही है। सॉरी रीना आए। तो अब हमारे दोस्त जा रहे हैं दोनों, बहुत अच्छा लगा मिलके। दादाजी कैसे हो? चलो बाय बाय रीना, बाय दादाजी। दादाजी